तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां मौसम विभाग ने आपको बता दें कि अलर्ट जारी किया है अगले दो दिनों के लिए। उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, तो यूपी के 36 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। राज्य सरकार ने शीतलहर को देखते हुए फैसला लिया है कि 4 से 7 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है, साथ ही कड़ाके की ठंड के चलते राज्य सरकार ने स्कूलों को 4 से 7 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारी सहयोगी जेबा खान जुड़ चुकी हैं। जेबा, अगर बात करें तो पूरे भारत में इस वक्त शीतलहर का प्रकोप जारी है, उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि कई जिलों में शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, और मौसम विभाग ने भी करीब 36 जिलों में शीतलहर का प्रकोप को लेकर अलर्ट जारी किया। ऐसे में राज्य सरकार ने कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों में 7 तारीख तक छुट्टी घोषित कर दी है। किस तरह की अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में स्थिति दिख रही है शीतलहर को देखते हुए? देखिए, उत्तर प्रदेश के कई बड़े इलाकों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के साथ जमकर जो है घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में तापमान जो है वो 10 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया है, और लखनऊ की बात करें तो तापमान 17 डिग्री पहुंच गया था, और कल अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो यही तापमान न्यूनतम तापमान जो है वो 3 डिग्री दर्ज किया गया। और इसी को देखते हुए, जो कोल्ड वेव है इसको देखते हुए, राज्य सरकारों ने 4 से 7 तारीख तक की छुट्टी भी कर दी और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो कई सारी फ्लाइटें दर्ज हो गई हैं, क्योंकि विजिबिलिटी कम हो गई है, ट्रेनें कई कई घंटे लेट हैं जो चल भी रही हैं, और कई ट्रेनें निरस्त हो गई हैं। और इसके अलावा जो है काफी यात्री जो है वो अब स्टेशनों पे नजर नहीं आ रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों को यात्री जो बस है उनको यात्री नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से बसें भी कैंसिल कर दी गई हैं। जी, अगर बात करें तो जो आश्रय स्थल होते हैं, जो बाहर से आने वाले राहगीर होते हैं, इसके अलावा ऐसे लोग जो फुटपाथों पर रहते हैं, उनके लिए किस तरह की नगर निगम ने व्यवस्था की है, क्या अलाव की व्यवस्था की गई है जगह जगह? राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार जो है भरसक प्रयास करती है कि वो हर तरीके की समस्या से निपटने के लिए चाक चौबंद इंतजाम करे। हालांकि जो अगर हम बात करें राजधानी की और कानपुर की, तो कई जगह अलाव जलते देखे गए, लेकिन ये बहुत ही कम संख्या में लकड़ी जो है दी जा रही है, और सभी जगह नहीं है। जी जेबा, धन्यवाद आपको इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि 4 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है।